Good morning, students. Today we are going to start new lesson in English. This is your English test book, English course book, and the name of the book is English Fairy. And here we are going to start lesson number one. Lesson number one is Rhea's family. In this lesson, we will discuss about Rhea's family. तो first I explain the word of family. Family किसे कहते हैं? आपको पता है सबकी family होती है, मैम की भी है, आपकी भी है ना? Family means जो हम एक साथ सब रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी भैया दीदी और किसी के चाचा चाची भी रहते हैं, है ना? तो वो सब क्या होते हैं? Family members होते हैं, सबकी family होती है. वैसे इस स्टोरी में हम रिया की फैमिली की बात करेंगे. तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी, ओके? देन वी विल रीड द स्टोरी एंड वी विल लर्न अबाउट रियाज फैमिली, ओके? इन दिस स्टोरी रिया नाम की एक गर्ल है और रिया नाम की गर्ल 6 ईयर्स ओल्ड है. कितने ईयर्स ओल्ड है? 6 ईयर्स, ओके? रिया नाम की जो गर्ल है वो 6 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है? और वो किसके साथ रहती है? उसके पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा के साथ रहती है, दादा दादी के साथ रहती है, ठीक है? 4 मेंबर्स है, मम्मी पापा और दादा दादी. उसके साथ उसका एक भाई भी रहता है, छोटा भैया, जिसका नाम क्या हुआ है? राज है, ओके? रिया के ब्रदर का नाम राज है और वो सब एक साथ हैप्पीली रहते हैं. लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर देखो, ये है रिया की फैमिली. यस, इन दिस फैमिली आप देखोगे ये दादाजी है, ये दादी है, ये भैया है, ये रिया है, ये मम्मी पापा है, ये सब इस फैमिली मेंबर्स हैं, ओके? अब इस फैमिली मेंबर्स के बारे में एक एक के बारे में बताया है. यहाँ पे जो रिया की मदर है, दिस इज अ रिया मदर, और ये जो रिया की मदर है उसका नाम है रानी, और ये डॉक्टर है, ठीक है? बाय द प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर, और रानी की होमवर्क करने में उसकी हेल्प करती है. जैसे आप लोग की मम्मा करती है आप लोग की होमवर्क कराने में, वैसे रिया की जो मम्मा है वो डॉक्टर है और वो किस में हेल्प करती है? होमवर्क में रिया की हेल्प करती है. लुक एट द पिक्चर, शी इज़ अ मदर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ रियाज मदर? रिया की मम्मी का नाम क्या है? रानी, ठीक है? तो रिया की मम्मा है ये रानी और वो क्या करती है? रिया को होमवर्क करने में उसकी हेल्प करती. लुक हियर, यहाँ पे आपको क्या पिक्चर दिख रहा है? यहाँ पे रिया के फादर है, ओके? रिया के फादर क्या कर रहे हैं? बॉल से प्ले कर रहे हैं, है ना? रिया के फादर टीचर है, उनका नाम क्या है? रोहित. रिया के फादर का नाम है रोहित एंड ही इज अ टीचर. लुक एट द डाउन पिक्चर, यहाँ पे क्या है? रिया के दादाजी हैं और वो क्या कर रहे हैं? ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? कुकिंग कर रहे हैं और रिया क्या कर रही है? कुकिंग में उनकी हेल्प कर रही है. लुक दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या दिख रहा है? अ ब्यूटीफुल गार्डन, यस? और यहाँ पे कौन है? ग्रैंड मामा मीन्स रिया की दादी और वो क्या कर रही है? गार्डनिंग कर रही है, ओके? इन दिस पिक्चर वी विल सी दैट रिया इज लिटल बिट अपसेट, वो थोड़ी सी अपसेट लग रही है, क्राई कर रही है. आपको पता है वो क्यों क्राई कर रही है? क्योंकि उसकी एक छोटी सी पैट थी, एक छोटी सी कैट, वो खो गई थी पोली, और उसको उसकी वजह से वो क्राई कर रही थी. फिर मम्मा ने उसको ढूंढ दिया, ढूंढने के बाद ये सारे कैसे हो गए? हैप्पी हो गए, ओके? अब आप लोग ने पिक्चर से ये स्टोरी के बारे में देखा कि रिया की फैमिली कितनी ब्यूटीफुल है. आप लोग की भी फैमिली ब्यूटीफुल है ना? तो यहाँ पे आप लोग की ब्यूटीफुल फैमिली के ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप लोग यहाँ पे पेस्ट करिएगा, ओके? पासपोर्ट साइज यहाँ पे लिखा है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर. आप लोग के जो फैमिली मेम्बर्स है उसकी आप लोग पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करना. आज हम यहाँ पे लेसन की रीडिंग करेंगे, वो थोड़ी सी करेंगे, फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके? ओके, तो वी विल स्टार्ट रीडिंग, ठीक है? वी विल स्टार्ट द रीडिंग पार्ट. हियर इज योर बुक. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. रिया इज 6 ईयर्स ओल्ड.
how many years old she is? 6 years old. We will repeat one time more. Riya is 6 years old. She lives. किसके साथ रहती थी वो? She lives with her parents. Okay, मम्मी पापा के साथ रहती थी. She lives with her parents, grandparents, and her baby brother Raj. Okay, now I explain these lines to you. Okay, Riya is 6 years old. Okay, Riya is 6 years old. She lives, L-I-V-E-S, lives. She lives with her parents. What is the spelling of parents? P-A-R-E-N-T-S, parents, means mummy, papa ke saath. She lives with her parents, grandparents, and her baby brother Raj. Okay, grandparents and baby brother Raj. Riya 6 years ki thi और वो किसके साथ रहती थी? पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और एक छोटा भैया था जिसका नाम क्या था? उसका नाम था राज. वी विल रीड दिस लाइन वन मोर टाइम. एक बार फिर से हम पढ़ेंगे ध्यान से. सबको दिखाई दे रहा है? रिया इज 6 ईयर्स ओल्ड. ओके, पुट फिंगर लाइक दिस एंड रीड द लाइन्स. रिया इज 6 years old. She lives with her parents, grandparents, and her baby brother Raj. Here is Riya, parents, mother and father, grandparents, and the brother Raj. She lives with her family. Okay, now next slide. This is Riya's mother. Here is Riya's mother. This is Riya's mother. Her name is Rani. What is the name of Riya's mother? Riya's mother name is Rani. She is a doctor. वो कौन है? Doctor है. She is a doctor. Rani helps Riya with her homework. Okay, Rani किसमें help करती है? जो है रिया के होमवर्क में हेल्प करती. बिकॉज शी इज अ मदर. लुक दिस पिक्चर. शी इज रियाज मदर. शी इज डॉक्टर एंड हेल्पिंग हर चाइल्ड इन होमवर्क. आपकी मामा भी करती है ना होमवर्क में आपकी हेल्प? रिया की मामा भी करती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज. दिस इज Riya's father. Who is she? Riya's father. This is Riya's father. His name is Rohit. He is a teacher. Riya loves playing cricket with her father. Here is a picture. He is Riya's father. Father name is Rohit. He is teacher. And Riya love playing cricket with his father. Papa ke saath kya khelti hai? Cricket. Okay. Now next. Riya's grandfather. He is Riya's grandfather. Riya's grandfather cooks lunch every Sunday. Every Sunday kya karte hai? Wo lunch banate hai. Theek hai? Riya love to help him. Riya ko जो हेल्प करने का उनको बहुत अच्छा लगता है. रिया को रिया लव्स मतलब रिया को बहुत पसंद है. रिया लव्स टू हेल्प हिम. उनकी हेल्प करना रिया को बहुत पसंद है. ग्रैंडपा, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे? ग्रैंडपा से पूछ रही है रिया, आज आप क्या कुक कर रहे हो? वी विल मेक सम राइस एंड दाल. क्या बना रहे वो? राइस और दाल. वी विल मेक सम राइस एंड दाल माई डियर. देन वी विल कुक सम
बीन्स, उसके बाद हम बीन्स भी बनाएंगे। वी विल ऑल्सो चॉप कुकुम्बर एंड कैरेट फॉर सलाद, हम कुकुम्बर और कैरेट की सलाद भी बनाएंगे। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन सम वर्ड्स विच हेल्प यू टू इन रीडिंग। ओके, कुछ वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं वो आपको रीडिंग करने के लिए हेल्प करेंगे। सिक्स, ओके, वॉट इज द नाइट, रिया इज अ सिक्स ईयर्स ओल्ड, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सिक्स एंड दिस इज द स्पेलिंग ऑफ ईयर, वाई ई ए आर एस ईयर्स। ओके, देन आफ्टर लीव्स, एल आई वी ई एस, मतलब साथ रहते हैं। ओके, देन आफ्टर पेरेंट्स, पी ए आर, पेर ई एन टी एस, मीन्स फादर एंड मदर। इन ई वी एस क्लास वी हैव लर्न द स्पेलिंग ऑफ फादर एंड मदर, दिस इज द वर्ड विच यूज फॉर बोथ पेरेंट्स। आफ्टर दैट ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, पेरेंट्स स्पेलिंग वी हैव ऑलरेडी लर्न, नाउ वी विल एड ग्रांड, जी आर ए एन डी, ग्रांड पेरेंट्स। आफ्टर नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल सी दैट मदर इज हेल्पिंग हर डॉटर इन होमवर्क, तो वी विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ मदर, एम ओ टी एच ई आर मदर, एम ओ टी एच ई आर मदर। वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, डी ओ डॉ सी ओ टी ओ आर, डी ओ डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर। देन होमवर्क, होमवर्क पहले वी विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ होम, एच ओ एम ई होम, एंड डब्ल्यू ओ आर के वर्क, होमवर्क आपको मिलता है ना होमवर्क, एच ओ एम ई होम, डब्ल्यू ओ आर के वर्क। देन हेल्प, एच ई एल पी एस, हेल्प्स, हेल्प, हेल्प्स मीन्स मदद करना, एच ई एल पी एस, हेल्प्स। हियर इज द अबाउट फादर, वी हैव लर्न द स्पेलिंग ऑफ फादर, एफ ए फा टी एच ई आर, धर, फादर। ओके, this is the spelling of father. Now he loves to play cricket, spelling of cricket is c r i c k e t, cricket, cricket, c r i c k e t, cricket, cricket, c r i c k e t, c r i c k e t, cricket. Teacher, t e a c h e r, teacher. Who is he? He is teacher. T-E-A-C-H-E-R, teacher. Play, P-L-A-Y, play. P-L-A-Y, play. Next is grandfather. G-R-A-N-D, grand. F-A-T-H-E-R, father. Grandfather. Cooks, cooks means khana banana. C-O-O-K-S, cooks. Cooks. Then after lunch, L U N C H, lunch. क्या कुक करते थे वो? Lunch. And everyone knows the spelling of Sunday also. ठीक है? Okay. Cucumber. Everyone knows that cucumber and carrot both are very healthy for salad. Cucumber. We will learn the spelling of cucumber. C U C U M B E R. Bur. Cucumber. C U C U M B E R, rice, R I C E, dal, D A L, carrot, C A R R O T. Okay, everyone read these two pages and send a video to the ma'am. Okay, goodbye.